अब देखो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या रहता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखो x है, y है, कॉन्स्टेंट नंबर b है, x है, y है, कॉन्स्टेंट नंबर b। तो इसको अरेंज करेंगे, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3y इक्वल्स टू, इस 4 को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 4। और इसके लिए क्या होगा नेक्स्ट वाला, x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। इस फॉर्म में लेकर आना है। इसे नाम दोगे आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। नाउ आप इसमें से कोई भी इक्वेशन लो, तो अभी जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ वो वाला इक्वेशन देखेंगे, टेकिंग इक्वेशन 2। देखो मैं थोड़ा सा इजी वाला बता रहा हूँ अभी, जैसे तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे 2x है, 3y है, माइनस 4 है, यहाँ पे x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। तो ये वाला मैं ले रहा हूँ, x माइनस 5y इक्वल्स टू 11, सो दैट मैं इसको ईजिली लिख सकता हूँ 11x इक्वल्स टू 11 प्लस 5y। दिस इज अर इक्वेशन नंबर 3। क्या क्या मैंने देखो यहाँ पे, ये जो x था इसको लिया है, हम इसे भी ले सकते थे बट नहीं ले रहे हैं, हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, नाउ सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू 11 प्लस 5y इन इक्वेशन 1, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 पहले लिया था, तो अब इक्वेशन 1 लेना है। व्हाट इज इक्वेशन 1, ट्वाइस ऑफ x प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 4, है ना। तो अभी x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये वाला चीज, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ x मतलब 11 प्लस 5y प्लस ट्वाइस ऑफ y इक्वल्स टू माइनस 4। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 211 इज 22, 5 इज 10y प्लस 3y इक्वल्स टू माइनस 4। अब देखो दो इक्वल्स टू नहीं आते, इसलिए इम्प्लाइज दैट, ठीक है। Take this 10y and 3y. How much it will be? 13y equals to minus 4. Is 22 को हम लोग shift कर रहे हैं इधर, तो ये हो जाएगा minus 22. Done? Yes sir. So y will be, देखो 13y will be minus 4 minus 22 is how much? Minus 26. So y will be minus 26 upon 13. 13 how much sir? 2 sir. So y की value क्या आई अभी? माइनस टू, माइनस टू, गॉट इट। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वाई इक्वल्स टू माइनस टू इन इक्वेशन 3, ये वाला 3। वी गेट क्या मिलेगा, तो एक्स इक्वल्स टू 11 प्लस 5y, हम इसको तो x इक्वल्स टू 11 प्लस y की जगह पे क्या लिखना है अभी, माइनस टू, क्योंकि हमने y की वैल्यू कैलकुलेट की है। सो x इक्वल्स टू 11, 5 टू जा 10, देखो माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस, 11 माइनस 10 इज 1, तो x इज 1, y इज 11 माइनस 2।